हेलो क्लास नाइन्थ, क्या हाल चाल बच्चों? वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अनूप कुमार लेकर के आपके लिए आ गया हूँ आज नंबर सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर, नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स के बारे में जाना था कि इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म भी नहीं होती और कोई भी डिजिट या सिस्टम ऑफ डिजिट रिपीट भी नहीं करता, और ऐसी नंबर जिनका परफेक्ट क्यूब रूट या परफेक्ट स्क्वायर रूट न पता हो वो भी हमारी इरेशनल नंबर होती है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में जो इरेशनल नंबर के लिए हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। फैक्ट्स अबाउट इरेशनल नंबर्स, तो ये फैक्ट्स क्या कहते हैं? ये फैक्ट्स कहते हैं, पहला फैक्ट कहता है कि अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड कर दें, अगर आप दो इरेशनल नंबर को ऐड कर दें तो वो उसका जो आंसर होगा वो इरेशनल आएगा या नहीं आएगा ये कह नहीं सकते। कुल मिला करके कहने का मतलब ये है कि अगर दो इरेशनल नंबर को हम ऐड करें तो वो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। कैसे, जरा देखें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इरेशनल नंबर है 2 प्लस अंडर रूट 3 और एक दूसरी इरेशनल नंबर है 2 माइनस अंडर रूट 3। ये इरेशनल नंबर क्योंकि एक यहाँ पे रियल नंबर है और दूसरी रूट की है, ऐसा रूट है जिसका रूट में नहीं पता, तो ये इरेशनल कहा जाएगा। तो अगर बच्चों हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा? अगर इनको हम ऐड कर दें, यानी दोनों इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है और ये भी, तो इनको जब हम ऐड करते हैं, यहाँ एडिशन का साइन लगा लीजिए, तो देखिए रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, और 4 क्या है? रेशनल है, इरेशनल नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करने से रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, कुछ भी आ सकता है, हो सकता है इरेशनल भी आ जाए। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नॉट टू बी इरेशनल, नहीं हो सकता या हो भी सकता है, इसके बारे में कंफ्यूजन है। तो इसका मतलब कि अगर कोई ये कहता है कि नहीं दो इरेशनल को जोड़ने से इरेशनल आएगा, नहीं कह सकते, दो इरेशनल के जोड़ने से रेशनल आएगा, नहीं कह सकते, कुछ भी आ सकता है, यही है बच्चों डिफरेंस का। डिफरेंस में भी अगर हम देखें तो मान लीजिए हम एक नंबर यही ले लें और दूसरी नंबर भी सेम ले लें, इसी में डिफरेंस ले लें इस तरीके से, तो रूट थ्री से रूट थ्री मर रहा है, 2 से 2 मर रहा है, क्या आ गया 0, 0 क्या है? रेशनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंस भी शो कर सकते हैं कि एडिशन या उसका डिफरेंस जो है वो क्या आएगा ये नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी नंबर देखिए इसी तरीके से डिफरेंस के लिए, जैसे एक लिखा हुआ है 5 प्लस रूट 2, ये रेशनल है, और इसमें से हम माइनस कर दें 5 माइनस रूट 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास? √2 - √3। ये साल नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा आगे बात करेंगे। तो ये भी हमारा क्या है? इरेशनल। अब देखिए एक बार रेशनल आ रहा था, एक बार इरेशनल आ गया, यानी सर्टेन नहीं है कि दो इरेशनल को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से रेशनल ही आएगा कि इरेशनल, क्लियर। अब देखिए अगला क्या है फैक्ट इसके बारे में, जैसे प्लस और माइनस के लिए है इसी तरीके से प्रोडक्ट और क्वोशिएंट के बारे में भी है। अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, इफ वी मल्टीप्लाई टू इरेशनल नंबर, तो हम ये नहीं कह सकते कि इरेशनल आएगा कि रेशनल आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हैं √2, आप जानते हैं इरेशनल, और एक दूसरी है √3, दिस इज आल्सो इरेशनल, व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ देन वी गेट द आंसर √6। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करने से इरेशनल आ गया, ठीक। लेकिन अभी देखिए एक हमारे पास ये इरेशनल है, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा? 3 आएगा, ये रूट रूट हट जाएगा, क्या हटेगा? आगे बढ़ेगा, बस ये समझिए अगर सेम रूट है तो फिर रूट हट जाएगा, अगर अंदर सेम नंबर है तो क्या आ गया? 3 क्या है? इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल। तो नॉट टू बी कह नहीं सकते क्या है, ठीक है। अच्छा दूसरी देखिए, डिवाइड की बात करें, क्वेश्चन का मतलब डिवाइड की बात हो रही है, तो मान लीजिए √3 को हम लोग √3 से डिवाइड कर दिया, 2 √3 से डिवाइड कर, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा? 1/2, ये क्या हो गई? इरेशनल, ठीक। दूसरा देखिए,
अभी हम लोग अंडर रूट थ्री, टू अंडर रूट थ्री को डिवाइड कर दें टू अंडर रूट फाइव से, रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया थ्री बाई फाइव, अंडर रूट में ये क्या हो गई इरेशनल। तो इसमें कहीं भी सर्टेंटी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट कोशेंट सम डिफरेंस में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी का मतलब रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। क्लियर हो गया? चलिए एक बार देख लीजिए, फैक्ट्स अबाउट इरेशनल नंबर, सम एंड डिफरेंस आर टू इरेशनल नंबर नॉट टू बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर को ऐड करने से, सबट्रैक्ट करने से इरेशनल ही आएगा, नहीं कर सकते, रेशनल भी आ सकता है। प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नॉट टू बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से या दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करने से वो इरेशनल आएगा, नहीं कर सकते, रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ नए फैक्ट्स हैं। नए फैक्ट्स देखिए बोर्ड पे लगे हुए हैं। हम कहते हैं अभी तक हम देख रहे थे कि दो इरेशनल नंबर के बारे में कि उन्हें हम ऐड कर दें, माइनस कर दें, प्रोडक्ट कर दें या कोशेंट ले। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, उसमें से एक रेशनल है और एक इरेशनल है। तो बच्चों इसमें हर जगह यानी चारों केसेस में प्लस डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट, इसमें अगर दो डिफरेंट नंबर्स हैं, एक रेशनल है हमारे पास और एक इरेशनल है, तो फिर उसका जो एडिशन होगा वो इरेशनल ही आने वाला है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर टू, टू इज अ रेशनल और इसमें हम जोड़ दें इरेशनल, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा यही आएगा, थ्री टू फाइव तो होगा नहीं, क्योंकि ये रूट की नंबर है, ये टू है, तो कैसे होगा भी आगे चलेंगे। तो ये जो आंसर आया ये होगा इरेशनल। सिमिलरली अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये रेशनल है, इसमें से आपने इरेशनल माइनस कर दी तो ये भी आंसर आपका इरेशनल है। अब बात कर रहे हैं रेशनल इरेशनल का, मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक नंबर है टू, फिर से वही ले लीजिए, ये रेशनल हो गई और एक हमने ले ली अंडर रूट फाइव, ये इरेशनल हो गई। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आएगा टू अंडर रूट फाइव, नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा इरेशनल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी काम हमारा यही होगा कि हमारे पास एक इरेशनल है उसको रेशनल से डिवाइड करें या रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें, तो ये भी जो हमारे पास आएगा ये क्या होगा इरेशनल ही होगा। ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, एमसीक्यूज में एक नंबर के क्वेश्चन में मिलता है कि सम ऑफ रेशनल इरेशनल क्या होगा, डिफरेंस ऑफ रेशनल इरेशनल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल इरेशनल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल का क्या होगा। तो ये बहुत इजी है, कायदे से पीसफुल माइंड से इसको आप अगर सोचेंगे तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम बात करेंगे, अभी तक बच्चों आप देख रहे थे कि हमने देखा था दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर हम लोग निकाल लेते थे, दोनों को ऐड करके हाफ कर देते थे, ज़्यादा निकालनी होती थी तो फिर वो करते थे न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर सेम करके बीच से निकाल लेते थे। अब हम बात करेंगे कि दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना। ठीक है, चलिए हाँ तो बच्चों अब देखिए हमारे पास जो टॉपिक आता है ये आता है फाइंडिंग द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम दो नंबर के बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि रेशनल निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं, इरेशनल निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो देखिए जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, हमने कहा फाइंड वन रेशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन टू एंड, ये दो नंबर हमारे पास है बच्चों, एक टू है और एक थ्री है, और हमको निकालना क्या है इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालनी है और एक इरेशनल नंबर निकालनी है। एक चीज समझ लीजिएगा बच्चों कि टू और थ्री या कोई भी दुनिया की दो नंबर, उनके बीच में इनफाइनाइट यानी बहुत सारे मेनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होती है और साथ साथ में इरेशनल नंबर
दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यानी मेनी नंबर ऑफ यानी एंड मेनी नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर होती है। हम कैसे फाइंड करेंगे तो ध्यान से देखिए, पेन कॉपी निकाल दीजिए। क्या कहता है हमारा सिस्टम, नंबर हमारे पास 2 और 3 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। तो बच्चों आप जानते हैं कि ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, पी अपान क्यू फॉर्म है, क्यू 0 नहीं है तो दोनों रेशनल है। तो इनके बीच में तो बहुत सारी रेशनल होगी तो हमें एक रेशनल चाहिए, तो बहुत ही आसान होता है। क्या करते हैं, रेशनल नंबर निकालने के लिए दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और दूसरे कर देंगे डिवाइड। कितना आ गया बच्चों, 5/2। इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 3 इन दोनों के बीच में कौन सी नंबर बची है, 5/2 है। ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए 2 नंबर्स निकालनी होती रेशनल, तो फिर इन दोनों को ऐड करते, जैसे एक नंबर और निकाल सकते हैं। कैसे, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं यानी 2 + 5/2 इनको ऐड कर दीजिए। कितना आएगा बच्चों, 2 या 4 + 5 9/2 और इसका हाफ करना है, 1/2 कर देते ना, 1/2 हाफ इसका भी करना है तो 9/4। अब 9/4 बच्चों कहाँ बैठी होगी, यहाँ बैठी होगी 9/4। ठीक है, तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो नंबर को जो रेशनल हो उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करके या हम कह सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करके दोनों के बीच में नंबर निकाल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था फाइंड वन रेशनल नंबर, तो 2 और 3 के बीच में हमारी 5/2 है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब बात आती है इरेशनल की, कि हम इरेशनल नंबर कैसे निकालें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इरेशनल नंबर निकालने के लिए 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3 कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। क्या करेंगे, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। आपके पास एक नंबर एक्स है, एक नंबर वाई है, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, तो इनके बीच में जो इरेशनल नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों, अंडर रूट एक्स। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कितना होगा, √2 × 3 मीन √6। √6 जो है वो इन दोनों के बीच में बच्चों क्या होगा, इरेशनल नंबर। दिस इज द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3। क्लियर हो गया, चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसका सबसे सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड भी हो सकता है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे कहते हैं कि 2 और 3 के बीच में आप निकालिए इरेशनल नंबर दूसरे मेथड से, जिसमें डेसिमल तक करके होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 के बीच में आपको नंबर निकालनी है तो जाहिर सी बात है कि 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, तो लिख सकते हैं 2.01001001 ये नंबर इनके बीच में आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये मेथड सबसे आसान है, अंदर रूट लगा के लिखिए। ठीक, क्लियर हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप पास करके नोट कर सकते हो। ठीक है, अब आपसे कह दिया कि अंडर रूट 2.1 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 और √5 √2 और √5 के बीच में आपको इरेशनल निकालनी है। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो दिस इज इरेशनल एंड दिस इज आल्सो इरेशनल, क्योंकि इनका अंडर रूट नहीं निकल सकता, तो ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो इनके बीच में कौन सी नंबर होगी बच्चों, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसको हम एक्स मान लेंगे, तो हम y मान लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, √x/y। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अब अंडर रूट लगाएंगे, x की जगह अंडर रूट 2 है और इसकी जगह भी अंडर रूट 5। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 + √10। इस अंडर रूट की जो मतलब होता है बच्चों, क्या होता है, पावर 1/2, याद रखिएगा। तो देखिए इसका मतलब अंडर रूट 10 के ऊपर पावर कितनी लग गई, 1/2, और ये फिर अंडर रूट लगाया तो फिर 10 की पावर कितनी हो गई, 1/2, इसके ऊपर भी 1/2। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1/2। ये जो नंबर है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये जो नंबर है ये इसके और इसके बीच में होगी और 100% ये क्या होगी, इरेशनल। ठीक है,
उनके बीच में रेशनल निकालने के लिए आपसे नहीं कह रहे हैं, इरेशनल निकालने के लिए कह रहे हैं, तो ये नंबर आपकी इनके बीच में इरेशनल है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड बच्चों ये हो सकता है कि आप डेसिमल लगा करके कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल लगा के भी कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट फाइव की वैल्यू क्या होगी अगर आप निकालें, तो अंडर रूट फाइव की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट टू की वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे अंडर रूट टू की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 2135 2135, अब छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम अंडर रूट फाइव की वैल्यू निकालिए। अंडर रूट फाइव की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.236068। ये इनकी वैल्यू होती, चूंकि ये इरेशनल है तो इसलिए नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब इनके बीच में नंबर निकालना बहुत आसान हो गया बच्चों। कैसे आसान हो गया? बहुत ईजी है। ये तो 1.4 है, आप यहाँ के डिजिट्स उठा लो, इतनी आप क्लियर हो जाओगे। तो 1.41 ठीक है, डाटा छोड़ दीजिए। और इधर कितना है 2.23 एंड सो ऑन। तो ये जो बीच की नंबर आएगी ये 1.41 से ज़्यादा होगी और इससे कम होगी। तो 1.41 से क्या ज़्यादा हो सकती है, देखिए बहुत आसान है। आप यहाँ लिख सकते हो नंबर, बीच की नंबर अगर हमें निकालनी है। ठीक है, आंसर मैच नहीं करेंगे ध्यान दिए। 1.4 आप लिख सकते हैं 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 करते चले जाए, तो ये नंबर इनके बीच में इंसर्ट हो गया। इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इंसर्ट अरेशनल एंड इरेशनल बिटवीन 3 एंड 4। दो नंबर्स हैं आपके पास, 3 आपकी रेशनल है, 4 भी आपकी रेशनल है। कह रहा है इन दोनों नंबर के बीच में एक हमें रेशनल ढूंढनी है, एक हमें इरेशनल ढूंढनी है। इंसर्ट अरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में एक हमें रेशनल ढूंढनी है, एक हमें इरेशनल ढूंढनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब हम रेशनल नंबर की बात करेंगे तो अपना वही तरीका कि दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 3.5 या 7/2, इन दोनों के बीच में ये नंबर रेशनल है। लेकिन ये बच्चों हम इरेशनल निकालेंगे तब क्या करेंगे? इरेशनल के लिए बहुत ही आसान है बच्चों, अंडर रूट लगा लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये नंबर जो है ये इन दोनों के बीच में इरेशनल है, क्योंकि 12 का आप रूट नहीं निकाल सकते बच्चों। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में इरेशनल है। इजी, तो कुल मिलाकर के स्टैंडर्डाइज कर ले कि इफ वी हैव, अगर हमारे पास एक नंबर एक्स है और एक नंबर है वाई, यहाँ पे बच्चों रूट्स भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक नंबर एक्स है, एक नंबर वाई है, तो जब हम इन दोनों के बीच में रेशनल निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को ऐड करके 2 से कर देंगे डिवाइड, या 1/2 से मल्टीप्लाई, जो भी आप कह रहे हैं। जब बच्चों हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे इरेशनल, तो उसके लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में एक्स और वाई। ठीक है आसान। जैसे मैंने कह दिया कि 2 और 3 के बीच में इरेशनल निकालिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × 3 अंडर रूट लगा लीजिए, अंडर रूट से क्लियर हो गई इरेशनल। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा चलिए, अब देखिए, अब आपसे कह दिया इन्होंने कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में निकालिए, अंडर रूट 2 उनसे कह रहे हैं फाइंड 2 रेशनल नंबर्स एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में हमको 2 रेशनल नंबर्स निकालनी है और 2 हमें इरेशनल नंबर निकालनी है। ठीक है, तो जरा सोचिए क्या होगा।
जल्दी से सोचिए। देख लिया आपने कैसे करेंगे। देखिए अंडर रूट टू की जो बच्चों वैल्यू होती है वो क्या है, अंडर रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है ना, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। अंडर रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.414। अब देखिए आप ये दोनों क्या है, रेशनल है। हमें इनके बीच में पहले क्या निकालना है, हमें पहले रेशनल निकालनी है। तो रेशनल के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम इन डिजिट्स को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1.4 और 1.7 को देखेंगे। आप देखो 1.4 और 1.7 के बीच में क्या 1.5 1.6 होगा, ऑब्वियसली बात है होगा। तो ये इन दोनों के बीच में बच्चों हो गई रेशनल नंबर। अब कह रहा है इरेशनल निकालिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ए और बी है ना, तो अंडर रूट ए बी, अंडर रूट सिक्स हो जाएगा, अंडर रूट सिक्स हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अंडर रूट सिक्स से इसको हम कैसे करते हैं, अंडर रूट लगाते, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट क्या हो जाता, अंडर रूट सिक्स, तो क्या हो जाता, सिक्स की पावर 1/2 1/2 1/4 ये आता। लेकिन हम कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, देखिए अब इसकी दो डिजिट देखिए, इसकी ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 1.41 और इधर लिखा हुआ है 1.73। तो आप जानते हैं 4 1 4 2 1 चलेगा, ठीक है, 0.43 0.44 एंड सो ऑन। तो इसके बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हमने ले लिया 1.43, फिर अपना वही काम चालू हो जाएगा। 1 लिख लीजिए, 0 फिर 1 लिख लीजिए, 2 0 फिर 1 लिख लीजिए, 3 0, इस तरीके से चलते चले जाइए। एक नंबर आप और उठा लीजिए, मान लीजिए 1.6 उठा लीजिए, 1.62 ले लीजिए, फिर आप यहाँ 0 लिख लीजिए, फिर आप यहाँ 2 लिख लीजिए, फिर आप 2 0 लिख लीजिए, फिर 3 लिख लीजिए, 0 0 0 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 0 0 0। ये सब आप अपने आप काम कर सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ध्यान दे करके बुक की एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, चलिए करिए। अब जरा एक क्वेश्चन बच्चों ये भी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। उसमें कह रहे हैं कि फाइंड वन रेशनल एंड वन इरेशनल बिटवीन 2 and 2.5, 2 और 2.5 यानी 2 and 2.5 के बीच में हमें एक रेशनल निकालनी है और एक इरेशनल निकालनी है। तो रेशनल के लिए अपना वही ज्यादा सचना फॉर्मूला, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को ऐड किया 4.5 आया, बाय 2 किया, डेसिमल हटाया, 0 लगाया, 45/20 आया, ये 5 से सिंपल हो जाएगा, 5 9 5 4 9 9 4, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर होगी। पी अपॉन क्यू फॉर्म, पी उतना इक्वल टू जीरो। इधर आ जाइए इरेशनल के लिए, इरेशनल का अपना फॉर्मूला, अगर एक्स और वाई दो नंबर है तो अंडर रूट एक्स वाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 5 इनके बीच में, क्लियर हो गया। इस तरीके से हम रेशनल और इरेशनल निकाल सकते हैं, समझ गए ना। रेशनल निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इरेशनल निकालने के लिए अगर नंबर्स दी हुई हैं तो फिर इस तरीके से हम निकालेंगे, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, अरे क्वेश्चन और देख लीजिए आप फटाफट। अब आपको दे दिया है 1/7 एंड 2/7, दोनों रेशनल है, पी अपॉन क्यू फॉर्म है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, इनसे कहते हैं रेशनल निकालिए। इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या होगी बच्चों, 1/7 और 2/7 को ऐड करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3/14 इनके बीच में रेशनल नंबर। लेकिन हमको निकालना क्या है, इरेशनल, तो फिर इरेशनल के लिए हम अपना फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, वही वाला अंडर रूट 1/7 × 2/7, कितना हो जाएगा बच्चों, 3/49। आप जानते हैं 49 का अंडर रूट 7 होता है, बाहर आ जाएगा, यानी 1/7 अंडर रूट 3, ये इनके बीच में एक इरेशनल नंबर होगी। आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट 3 की वैल्यू को आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम डेसिमल में चेंज करें, इसको डेसिमल में चेंज करें तब निकालें, वो भी देख लीजिए, उससे भी आप निकाल सकते हैं, जिससे आपको इजी लगे।
वन बाई सेवन को बच्चों जब आप निकालोगे, जो आप वन बाई सेवन को जब आप डिवाइड करोगे तो ये एक जगह जा करके रुकेगा। आप डिवाइड करके देख लो, सेवन से वन को डिवाइड करेंगे, दशमलव जीरो सेवन या सेवन थ्री जीरो सेवन फोर या ट्वेंटी एट टू जीरो सेवन टू या फोर्टीन सिक्स जीरो सेवन एट या फिफ्टी सिक्स फोर जीरो सेवन फाइव या थर्टी फाइव फाइव जीरो सेवन सेवन या फोर्टी नाइन। ह्यूमन बचेगा फिर से रिपीट करेगी, अब यही वैल्यू फिर रिपीट होगी, क्या आएगी वन फोर टू एट फाइव सेवन। अब देखिए ये सिस्टम यहाँ रिपीट हो रहा है, इसलिए बच्चों वन बाई सेवन क्या है, रेशनल है। रेशनल का मतलब रिपीटिंग टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, देखिए यहाँ रिपीट कर रहा है, ये डिजिट रिपीट कर रही है, इसका मतलब है कि ये वन बाई सेवन जो है क्या है हमारी रेशनल है। इसी तरीके से टू बाई सेवन भी रेशनल है, टू बाई सेवन को भी डिवाइड करके देख लेते हैं उसका आंसर क्या आएगा। सेवन से टू को करते हैं दशमलव जीरो सेवन ट्वेंटी से हुआ है, हाँ ये हुआ है, तो यहाँ से ये आएगा टू एट फाइव सेवन, ठीक है जीरो पॉइंट टू एट फाइव सेवन एंड हुआ, तो बस हो गया काम। यहाँ क्या सिर्फ इसके डिजिट उठाइए, ज़्यादा उठाने की जरूरत नहीं है, जीरो पॉइंट वन फोर यहाँ से ले लीजिए और जीरो पॉइंट टू एट यहाँ से ले लीजिए, अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। जीरो पॉइंट वन फोर और जीरो पॉइंट टू एट के बीच में हमें इरेशनल पुट करनी है, तो इरेशनल बहुत आसानी से ले सकते हैं, ये फोर्टीन है ट्वेंटी एट जब बहुत बड़ा गैप है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, आप जानते हैं जीरो पॉइंट फोर्टीन है तो जीरो पॉइंट वन फाइव भी आ सकती है, जीरो पॉइंट वन सिक्स भी आ सकती है, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे आपने कहा जीरो पॉइंट वन फाइव तो जीरो पॉइंट वन फाइव जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन इस तरीके से आप ले सकते हैं, बीच में इरेशनल नंबर पुट अप हो गई। ये हमारा तरीका था कि बीच में हम रेशनल और इरेशनल कैसे निकालेंगे, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया है तो आप उससे पढ़िएगा, फिर भी समझ नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, तो इसके लिए दोबारा फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है क्लियर हो गया, तो देख लीजिए फिर एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं। देखिए बच्चों बोर्ड पे क्वेश्चन लगा हुआ है, सो दैट अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू इज इरेशनल, कल मैंने आपको थोड़ा बताया भी था कि इरेशनल इसे प्रूव कर रहे थे, पी एफ आर क्यू मान रहे थे, फिर स्क्वायर कर रहे थे, फिर तो कॉमन दिखा रहे थे उसमें, ठीक है तो हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। वैसे भी आप अगर देखो तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, पहला तरीका क्या है, आप लिखोगे हियर अंडर रूट थ्री इज आ इरेशनल नंबर एंड अंडर रूट टू इज आल्सो अ इरेशनल नंबर एंड वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन इरेशनल नंबर इज आल्सो बी इरेशनल, दोनों इरेशनल नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, लेकिन नॉट टू बी उसमें लगा हुआ था, इसलिए हमें इसे प्रूव करना होगा, ठीक है कैसे देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे हमें प्रूव करना है इरेशनल, हम मान करके चलेंगे इट इज इरेशनल, ठीक है हम लिखेंगे लेट अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है हम इसको x के इक्वल मानते हैं, लेट इट बी x, इसका मतलब x इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, इसका मतलब है कि ये और ये दोनों सेम है, अगर ये रेशनल है तो फिर ये भी रेशनल है, ठीक है दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी करके देख लीजिएगा, ये कितना हो गया थ्री एंड टू फाइव माइनस टू अंडर रूट सिक्स इधर एक्स, ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग फाइव को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू अंडर रूट सिक्स, फिर क्या करते हैं टू को इधर ले आते हैं क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपान माइनस का टू, ठीक है इधर क्या बच्चों बच जाएगा हमारा अंडर रूट सिक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों ये जो इक्वल का साइन है तो इसका मतलब इधर का हिस्सा इधर का हिस्सा सब सेम चलेगा, ठीक है ना, अभी ऊपर मैंने माना था कि x रेशनल है तो अगर x रेशनल था तो भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन जब हम नीचे साल करते करते आए तो हमने देखा कि ये पूरी वैल्यू अंडर रूट सिक्स के इक्वल है, और अंडर रूट सिक्स क्या है बच्चों, हियर अंडर रूट सिक्स इज इरेशनल, अगर अंडर रूट सिक्स इरेशनल है तो फिर इरेशनल के बराबर इरेशनल को लिखी जाएगी,
इसका मतलब ये भी आपकी इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है तो इसका मतलब x भी इरेशनल होगा। अगर x इरेशनल होगा x के इक्वल क्या लिखा है, यस इट इज आल्सो इरेशनल। आवर कंट्रडिक्शन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था वो हमारा रॉन्ग था, वो रेशनल नहीं था, वो इरेशनल था, वही आखिर में आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्वेश्चन करिएगा, नहीं समझ आता है फिर आगे चलिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ तो बच्चों ये आपका नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 चल रहा था। अब इसके बाद आपको आर एस अग्रवाल की बुक सबके पास होगी, एक्सरसाइज 1C होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 ये आपको करने है, ठीक है।